सब्सक्राइब करिए आरएस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने एक आदेश पी का मोनो ब्लॉक पंप मोटर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं इसका पार्ट टू आपको बताऊंगा, यानी स्टार्टिंग की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। और अगर आपको इसका पार्ट वन यानी रनिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिब रिजवी और आप देख रहे हैं आरएस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि मोटर की इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो किलो वाट है ये 0.33 एचपी की बात करें तो 0.5 एचपी का ये है। और इसमें अगर हम एसी वोल्ट की बात करें तो 230 या 220 एसी वोल्ट पे ये वर्क करेगा। और दोस्तों, अगर इसकी आरपीएम की बात करें तो ये 2800 आरपीएम पे ये मोटर है। और अगर इसमें कैपेसिटर की बात करें तो इसमें 10 यूएफ का कैपेसिटर लगेगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी स्टम्पिंग के बारे में आपको भी बता दे रहे हैं। दोस्तों, इसकी स्टंपिंग नापने के लिए आपको स्केल लेना है, स्केल की सहायता से इसको स्टंपिंग नापना है। इसकी जो स्टंपिंग है वो 2 इंच है। एमएम की बात करें तो ये लगभग 56 एमएम की इसकी स्टंपिंग है। और दोस्तों, अगर इसकी कोर लेंथ की बात करें, कोर लेंथ बोले तो इसकी जो बीच की गोलाई है उसको अगर हम नापते हैं इधर से यानी ऊपर से या नीचे से किसी भी तरफ से अगर नापते हैं इधर से भी और ऊपर से तो इसका जो कोर लेंथ है वो 2.5 इंच है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम स्टार्टिंग का कॉइल बना के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास फर्मा है। तो दोस्तों, मैंने जो पहला रनिंग कॉइल बनाया था ये 4 खाने पे बनाया था। आपको 2 खाना छोड़ के ऊपर से 2 खाने पे आपको स्टार्टिंग कॉइल बनाना है और रनिंग से आपको स्टार्टिंग कॉइल थोड़ा सा आपको छोटा कर लेना है। उसके बाद आपको ये 2 कॉइलों का एक सेट मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको एक सेट ऐसे और बनाना है, यानी 2 रनिंग का सेट आपको बनाना है 2 कॉइलों का। और दोस्तों, कॉइल बनाने के बाद आपको कॉइल को एक एक करके आपको बांध लेने हैं। कुछ इस तरह से आपको कॉइल को बांध लेना है। इसी तार से या धागे से आपको कॉइल बांध लें। दोस्तों, अगर आपको इसका पार्ट वन देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसका पार्ट वन देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ से मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी हम स्टार्टिंग आपको डेटा आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपको स्टार्टिंग कॉपर वायर यूज़ करने हैं वो आपको 28 नंबर कॉपर वायर यूज़ करने हैं। और दोस्तों, इसमें जो आपको स्टार्टिंग टर्निंग लेनी है वो 130 और 130 टर्न लेने हैं। और दोस्तों, इसमें जो स्टार्टिंग कॉइल वेट रहेगा दोनों सेट का आपका वो 200 ग्राम रहेगा। और दोस्तों, जो इसमें आपकी स्टार्टिंग कॉइल पिच रहेगी वो 10 और 12 इसकी स्टार्टिंग कॉइल पिच रहेगी। दोस्तों, इसको आपको स्टार्टिंग का 2 कॉइलों का एक सेट बनाना है, यानी आपको सेट की बात करें तो 2 सेट आपका स्टार्टिंग का बनाना है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको स्टार्टिंग की इंस्टॉलेशन आपको करके दिखाते हैं। दोस्तों, आपको कॉइल को यहाँ पर और यहाँ पर आपको डालना है कॉइल को। आपको ये छोटा वाला कॉइल हम यहाँ से इस तरह से उठाएंगे। उठाने के बाद ये मेरा इनर वायर है, इसको हम अलग कर लेंगे। उसके बाद जिस चीज़ से हमने कॉइल को बांधा है उसको ऊपर कर लेंगे और कॉइल को थोड़ा दबा के और
प्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। और दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद इसमें हम पीवीसी शीट का टुकड़ा लेंगे, स्लॉट साइज पेपर, और इसमें लगा देंगे। अगर आपका पेपर टाइट जा रहा है तो कॉइल को आगे पीछे करके आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद आपको कॉइल जिस चीज़ से आपने कॉइल को बांधा वो चीज़ आप खोल लीजिए। उसके बाद दूसरे स्लॉट में इसको थोड़ा थोड़ा करके आप इंस्टॉल करिए। अगर दोस्तों इसको आपका पार्ट वन देखना है, नहीं रनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है इस मॉडल की, तो इसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसका वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं मेरा स्टार्टिंग का जो पहले सेट का पहला कॉइल जो था वो इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हम इसमें पीवीसी पेपर लगाएंगे, और पेपर लगाने के बाद इसको अच्छे से बराबर करके और नीचे की तरफ दबा देंगे। उसके बाद ये मेरा इनर वायर हो गया, और ये आउटर वायर दूसरा कॉइल इधर और इधर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद कॉइल को आपको अच्छे से दबा लेना है, और कॉइल को दबाने के बाद मोटर के अंदर लेके जाना है, और थोड़ा थोड़ा करके आपको स्लॉट में वायर्स डालने हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालिए वायर्स। उसके बाद इसमें आप पीवीसी का टुकड़ा लगा दीजिए। दोस्तों ध्यान रहे पीवीसी का जो टुकड़ा स्लॉट साइड पेपर होता है वो आपको हर स्लॉट में आपको लगाना अनिवार्य है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं मेरा जो स्टार्टिंग का जो पहला सेट था वो इंस्टॉल हो गया है। अब इसको हम अच्छे से बराबर करके और नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको दूसरा स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे स्लॉट में और इस स्लॉट में दूसरा स्टार्टिंग कॉइल का ये छोटा वाला कॉइल जो पहला वाला कॉइल है ये इंस्टॉल होगा। आपको कॉइल को कुछ इस तरह से पकड़ना है, पकड़ने के बाद कॉइल को आपको थोड़ा दबा लेना है, पतले नुमा कर लेना है। उसके बाद आपको स्लॉट में थोड़ा थोड़ा करके वायर्स को डालने हैं। उसके बाद दोस्तों कॉइल को इंस्टॉल करने के बाद आपको पीवीसी का टुकड़ा लेना है, यानी स्लॉट साइज पेपर, जिसे मैंने आपको बताया था कि हर स्लॉट में इसको लगाना अनिवार्य है, तो इसको लगा देना है। उसके बाद जिस चीज़ से हमने कॉइल को बांधा था उसको हमने इसको खोल लेना है, और खोलने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम स्लॉट में इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो स्टार्टिंग का दूसरे सेट का पहला कॉइल था वो मेरा इंस्टॉल हो गया है। अब इसको अच्छे से बराबर कर लेना है, बराबर करने के बाद नीचे की तरफ हमें दबा देना है कुछ इस तरह से। ये मेरा इनर वायर हो गया, और ये आउटर वायर जो दूसरे कॉइल में ऐड है यानी जुड़ा हुआ है। कॉइल को कुछ इस तरह से आपको उठाना है, और उठाने के बाद कॉइल को इस तरह से दबा लेना है, और आपको जो बचता है वह स्लॉट इस स्लॉट और इस स्लॉट में हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा स्टार्टिंग का जो दूसरा सेट था
भी मेरा इंस्टॉल हो गया है, यानी स्टार्टिंग का जो दोनों कॉइल था वो मेरा इंस्टॉल हो गया है। चलिए दोस्तों अब आपको इसका स्टार्टिंग कॉइल कनेक्शन आपको बताते हैं कि ये किस तरह से स्टार्टिंग कॉइल कनेक्शन करना है आपको। तो मैं इसका जो दो कॉइल है आपको किसी को आप पहला मान लीजिए, मैंने पहला इसको माना है, ये छोटी कॉइल थे जो इनर वायर है और बड़ी कॉइल थे ये आउटर वायर, और दूसरे कॉइल का ये छोटी कॉइल थे मेरा इनर वायर है और बड़े कॉइल थे आउटर वायर। आपको आउटर टू आउटर वायर को ऐड कर लेने हैं, उसके बाद आपको इसका इंसुलेटर जो है किसी चीज़ से आपको साफ़ कर लेना है, और साफ़ करने के बाद इसमें स्लिप पाइप का टुकड़ा लगाना है, और टुकड़ा लगाने के बाद आपको वायर्स को ये जोड़ देना है। जोड़ने के बाद बचा हुआ वायर्स आपको कैंची से आपको काट देने हैं, और काटने के बाद आपको इस पर स्लिप पाइप लगा देना है कुछ इस तरह से। आपको आउटर टू आउटर वायर को ऐड करने हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।